अस्सलामुअलैकुम नादरीन, मैं हूं सफदर हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सफदर स्पोर्ट्स। नादरीन, एशिया कप 2023 के हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पीसीबी आज नजम सेठी और इंडिया टीम के सेक्रेटरी जय शाह के दरमियान वन ऑन वन मुलाकात दुबई में हुई। नादरीन, एशिया कप 2023 के होस्ट के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। नादरीन, एशिया कप 2023 का होस्ट कौन होगा, तमाम मैच किन किन शहरों में खेले जाएंगे और मुकम्मल अपडेट के साथ आपको आगाह करते हैं इस वीडियो में। इससे पहले आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली मरतबा विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको क्रिकेट के हवाले से तमाम अपडेट्स वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, आपके ख्याल में एशिया कप 2023 का होस्ट किसको होना चाहिए, पाकिस्तान को, यूएई को या फिर बांग्लादेश को? नीचे कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार जरूर करना। जी हाँ नाज़रीन, इंडियन क्रिकेट काउंसिल के सेक्रेटरी जय शाह और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीसीबी नजम सेठी के दरमियान आज दुबई में वन ऑन वन मुलाकात हुई। एशिया कप के हवाले से बात हुई। एशिया कप 2023 के लिए अगर इंडिया की टीम रजामंद होती है कि पाकिस्तान आना है तो एशिया कप 2023 के तमाम मैच पाकिस्तान में होंगे। अगर भारत की टीम पाकिस्तान ना आई तो भारत की टीम पाकिस्तान के साथ अपने मैच यूएई में खेलेगी। नाज़रीन, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान को भारत के साथ खेलना चाहिए या नहीं, या पाकिस्तान टीम को भी भारत के साथ बॉयकॉट करना चाहिए? कमेंट्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना। एशिया कप 2023 के तमाम जो मैचेस हैं नाज़रीन, पाकिस्तान के शहर कराची, लाहौर और रावलपिंडी में कराए जाने के इम्कान हैं। नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।